की अपनी चाय और बिस्किट ले लिया और प्रसाद लिया है। अभी सुबह 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 के बज रहे हैं 9:30 और यहाँ पे है अपना होटल भारती। चाय बिस्किट हर हर महादेव। क्या हाल चाल मेरे प्यारे भाई, उम्मीद करता हूँ सब बड़े होंगे और अपने घर होंगे। तो गाइस मैं था भोलेनाथ की नगरी में, झारखंड देवघर में। परसों आया था बाबा बैद्यनाथ जी के दर्शन करने और बहुत ही मज़ा आया दर्शन करके। बहुत ही प्यारे दर्शन हुए, कल मैंने दर्शन करे थे और बहुत ही प्यारे दर्शन हुए, बहुत ही मज़ा आ गया। अब यहाँ से हमारा चलने का टाइम हो रहा है, सुबह के बज रहे भाई 9:42 और आज की अपनी फ़्लाइट है 1:45 की, मतलब यानी कि 2:15 की फ़्लाइट है। तो अभी यहाँ से 10 से 12 किलोमीटर है, लगभग आधा पौना घंटा लगता है ई रिक्शा में जाने में। यहाँ ई रिक्शा को बोलते हैं ऑटो, आधे से पौना घंटा लगता है 10-12 किलोमीटर करने में। तो चलते हैं आराम से और जाके अपना लॉन्च वगैरह में इधर उधर बैठेंगे। बाकी अभी मैं सुबह सुबह में जाके प्रसाद लेके आया नीचे से। तो चलते हैं एक छोटे से रूम को करते हैं बाय बाय यहाँ से। बहुत छोटा सा रूम था ये, था 600 रुपये का रूम सिंगल बंदे के लिए। आपको चाहिए तो आ जाना भाई होटल भारती में। ये देखो इसका मैं मेन्यू, ये मेन्यू कार्ड है यहाँ खाने का, और रेस्टोरेंट अगर अलग है और होटल अलग है। होटल ये है होटल भारती, उसी के जस्ट नीचे ये रेस्टोरेंट है और ये कुछ मेन्यू है। तो भाई इस होटल में रुका था मैं। अब चलते हैं यहाँ से अपने, ये 2:45 की फ़्लाइट है, आराम से चलेंगे यार, इन्जॉय करते हुए। बाकी मैं सोच रहा था एक बार दर्शन कर आया था, बट दर्शन करने में बहुत गर्मी है यार उस साइड। आज का वेदर अच्छा हो गया रात कल शाम के टाइम, यहाँ पे थोड़ा सा बारिश पड़ गई थी, हल्का सा झड़ना था और फिर मौसम अच्छा हुआ, सुबह बारिश पड़ी तेज। और अभी का फिलहाल टेम्परेचर है 34 डिग्री। और वैसे जिस दिन मैं आया था, परसों आया था, उस दिन था 44 डिग्री टेम्परेचर। तो चलते हैं। इन्हें नया ऑटो रिक्शा लिया, ऑटो यहाँ ऑटो कहते हैं, वैसे रिक्शा है। और भाई पन्ने भी नहीं उतरी भाई, अभी पन्नी भी नहीं उतरी और हमने उद्घाटन कर दिया भाई के रिक्शा में। ई रिक्शा बोलते हैं हमारे यहाँ, तो यहाँ ऑटो बोलते हैं भाई। अब पैसे को भी टका कहते हैं, 10 टका। हमारी फ्लाइट डिले हो चुकी है 1:45 पे बॉडी वो था डिपार्चर, और अब वो कर दिया 2:45 तो 1 घंटा डिले हो गई। और एक पटना वाली फ्लाइट वो तो कैंसिल ही कर दी, कनेक्टिंग फ्लाइट थी उनकी, तो उन्हें वाया दिल्ली भेजा जाएगा पटना, अलग ही सीन है भाई। और अभी टाइम हो रहा है सुबह 11:11, तो पता नहीं क्या होगा, मतलब 1 घंटा फ्लाइट डिले कर दी मेरी वाली जो है दिल्ली वाली, वो 1 घंटा डिले। और बाकी अभी जिनकी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी उनका वहाँ पे कनेक्टिंग चेंज हो गया, वाया दिल्ली भेजा जाएगा, पहले दिल्ली जाएंगे फिर वहाँ से वापसी होंगे। वाह भाई वाह, क्या ही अलग मज़ा है। और एक और बात, यहाँ पे लॉन्च नहीं है, नो लॉन्च। मैंने वो तो 600 एक चाय वो भी ली थी, देखते हैं यहाँ पर क्या रेट है। रेट तो महंगा ही होगा, बट जो भी है 1 घंटा डिले कर दिया। कितना ही छोटा एयरपोर्ट है भाई, इतना सामने चेक इन का रास्ता और ये लॉबी जो इनका बैठ रहा है, वही 2 ही गेट है, गेट नंबर 2 और गेट नंबर 1, बस 2 ही गेट है। सामने है रनवे उधर, और वो चाहिए बस ये 2 स्टॉल हैं खाने के, और 2 भाई। जैसे कि हमारी फ़्लाइट डिले है
पहले भी खाना मैं ये खा ली थी अभी इन्होंने, डेढ़ डेढ़ घंटा फ्लाइट ले तो बाकी अभी तो खानी नहीं, फ्लाइट में ही बैठ के खा लेंगे आराम से। चार पांच तरह की सब्जी है, रसगुल्ला है और रोटी चावल सलाद। पहले ही बता देते ज़्यादा बेटर होता, मैंने 200 रुपये सैंडविच खरीद लिया, नुकसान मैं सोच ही रहा था ये देंगे कि ज़रूर डिले है फिर से, तो वही हुआ सीन, दे दिया। कोई बात नहीं, 8 मिनट में फ्लाइट एंड होने वाली है, फिर हम बैठ के चलेंगे। ग्राउंड फोर्स सारी तरह तैयार हो चुकी है, फ्लाइट आएगी और फिर बैठेंगे, मिलते हैं। तो भाई सामने आ चुकी है अपनी फ्लाइट और अभी तो यात्रियाँ उतरे हैं और यहाँ पे बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, काफ़ी लोगों ने कर भी लिया और हम भी चलते हैं, खाना उठाते हैं अपना और चलते हैं भाई, बैठते फ्लाइट में, फ्लाइट में बैठ कर मिलते हैं। तो भाई अपना फिर से एक बढ़िया मौका मिला हमें विंडो सीट का, विंडो सीट मिल गई है। पैसेंजर का अगर बस चले ना, जिस जहाँ से बैग निकल के आ रहे हैं, यहाँ से बैग निकल के आ रहे हैं जो बाहर इस पे बेल्ट पे, और तो पैसेंजर का बस चले तो सीधा उसमें भी घुस सके। एक तो भाई अपना दिल्ली में आते है क्या गर्मी मिली है, 44 डिग्री टेम्परेचर, और एक तो फ्लाइट वालों ने बेल्ट नंबर सही नहीं बताया, ऊपर से दूसरी बेल्ट मैंने चलो स्क्रीन पर देख के पढ़ के देख लिया कि दूसरी बेल्ट पे हैं, थी बराबर वाली बेल्ट, मैं बहुत देर से उस वाली बेल्ट पकड़ा था जो फ्लाइट में बताया गया था, और फिर जैसे ही उसमें देखने लगा जो मुझे सही बेल्ट पे पहुंच गया, फिर वहाँ जाके बहुत देर तक खड़ा रहा, फिर वहाँ जाके पता चला कि हमारे बैग पहले ही उतार दिए गए हैं उसी बेल्ट पे, बहुत देर तक उस बेल्ट पकड़ा रहा, पहले सही वाली पे, पहले गलत वाली पे, फिर सही वाली पे, फिर अब भाई चल रहे हैं मेट्रो से अपने घर। मेट्रो का बेस्ट वो रूट है और भीड़ भी नहीं मिलेगी, ट्रैफिक भी नहीं मिलेगा, अपना जो टाइम है उस टाइम पे पहुंचेंगे, 1.5 घंटे में मेट्रो पहुंचाएगी। ये आ गया मैं मेट्रो वाली रोड पे, तो यहाँ से मेट्रो पकड़ेंगे, अब देखते हैं वाई द्वारका वाली से जाएंगे या हम वाई टर्मिनल 1 से जाएंगे, वो देखते हैं। टर्मिनल 1 वाली कम टाइम लगाएगी और द्वारका वाली बहुत टाइम लगाती है, वो 2.5 घंटे के आसपास पहुँचाएगी, देखते हैं जो भी होगा। तो भाई टिकट लेके आ चुके हैं नोएडा सेक्टर 52 तक का, और 120 रुपये का टिकट मिला, जिसमें कि पहले न्यू दिल्ली स्टेशन, न्यू दिल्ली से फिर सीधा नोएडा वाली ऐसे जाएंगे। भीड़ देख लो कितनी हो रही है, भाई फाइनली मैं पहुंच चुका हूं अपने नोएडा शहर सेक्टर 52, और यहां से मुझे ऑटो करना होगा अपने घर के लिए, लगभग 10 से 15 मिनट लगे घर जाने में,
ऑटो करके और सेक्टर 52 पहुँच चुका भाई। पूरी मेट्रो यहीं खाली हुई है, पूरी मेट्रो खाली हो गई यहाँ। चलो ऑटो करते हैं। सो गाइस क्या हालचाल। तो भाई रात आया था मैं, मतलब शाम के टाइम आया था, और आके पहले नहाया फिर खाना वाना खाया और सो गया मैं। फिर मेरा मन ही नहीं करा व्लॉग बनाने का। तो गाइस कैसा लगा व्लॉग कमेंट करके जरूर बताना। फ्लाइट डिले हुई लेकिन फ़्लाइट वालों ने हमें थोड़ा खाना दे दिया, बहुत अच्छा करा। पर वो थोड़ी देर पहले दे देते अब बता देते कि खाना आएगा, तो फिर मैं क्या करता, मैं अपने 200 रुपये खर्च ना करता, 200 रुपये की सैंडविच ना लेता वहाँ पे। भाई एक सैंडविच जब लेना, एक सैंडविच मुझे 200 रुपये की पड़ी थी एयरपोर्ट पर। बाकी वो एयरपोर्ट पर ना थोड़ा कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो इस वजह से अभी वहाँ पर इतना फैसिलिटी नहीं है। और बाकी भाई कैसा लगा व्लॉग कमेंट करके जरूर बताना, लाइक शेयर जरूर करना। चैनल पर नहीं हो चैनल, अगर जिसने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं हर 12 महीने 12 ज्योतिर्लिंग कर रहा हूँ, जिसे ना पता हो तो बता देता हूँ, 12 महीने 12 ज्योतिर्लिंग कर रहा हूँ। तो और फिलहाल भाई अभी नहा धो के चल दिया मैं दुकान पर, सुबह के बज रहे 11:15। और भाई मेरी फ़्लाइट जो पड़ी थी मुझे 11,600 कुछ रुपये की पड़ी थी आने जाने की, जिसमें कि जब मैं इधर से गया था तो मेरी एक वन स्टॉप के साथ फ़्लाइट थी। नॉन स्टॉप भी मिलती है पर वो वाली मुझे मिली नहीं, वन स्टॉप के साथ एक फ़्लाइट थी, उधर से नॉन स्टॉप मिली थी। और भाई मेरा होटल का पड़ गया था मुझे 1200, 600, 1800 रुपये का होटल पड़ गए थे दो। और फिर मेरा फूड वगैरह लगा के लगभग 1000 रुपये के आसपास मेरा तीन दिन 1000-1200 रुपये के आसपास मेरा खाना पीना लग गया, जो मैंने खाया पिया 1000-1200 रुपये के आसपास लग गया। हाँ क्योंकि एयरपोर्ट वगैरह पे भी मिल गया था फिर ऐसे वैसे। और बाकी भाई अपना क्या बस्ता, होटल हो गया, फ्लाइट हो गई, और मंदिर पूजा के लिए जो मंदिर वंदिर पूजा वूजा करी है उसमें 1000 रुपये, प्रसाद वगैरह सब मिला के 1000 रुपये के आसपास हो गया उसका भी। और टोटल लगभग मेरा 16,000 के आसपास बैठा भाई। फ्लाइट महंगी पड़ी, महंगी क्या पड़ी, एक हिसाब से ठीक थी भाई। काफ़ी सारे बंदे लगते हैं भाई जब फ्लाइट लैंड करती है उन, तो फिर साफ मतलब लैंड करने के बाद भाई इतने सारे लोग लगते हैं, इतने सारे लोग काम करते हैं वहाँ। कोई टायर में हवा भर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई पेट्रोल भर रहा है, डीजल भर रहा है, जो भी भरता हो भाई उसमें वो मतलब काफ़ी चीज़ें होती है, तो काफ़ी लोग होते हैं, तो इसलिए फ़्लाइट इतनी महंगी नहीं पड़ती मतलब उस हिसाब से भाई इससे, और जल्दी भी पहुँचे, टाइम हमारा टाइम बच रहा मेन। तो गाइस इस व्लॉग को करते हैं पेंड। अपनी 8 जून को एक राइड हो रही है नोएडा टू ऋषिकेश, तो लॉर्ड स्प्लेंडर हीरो स्प्लेंडर वालों के लिए हो रही है 100cc पे। अगर आप किसी को ज्वाइन करनी है तो आप भाई कमेंट कर सकते हो, या आप मुझे इंस्टाग्राम पे जाकर DM कर सकते हो, या मैं एक ID मेंशन कर देता हूँ लॉर्ड स्प्लेंडर राइडर्स करके, तो उस ID पे जाकर DM कर देना। आपको मेरी टीम जो भी है वो आपको ऐड कर लेगी ग्रुप में, और जैसे भी है बात कर लेना, आपसे बातचीत हो जाएगी। बाकी 8 जून को मैं, जिसमें मैं भी चलता हूँ भाई साथ में ग्रुप राइड में, मैं भी साथ में जाता हूँ। अगर किसी को मिलना भी होगा तो हम राइड पे मिलेंगे, बाकी अगर चलना है तो बताना। और इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना, डू व्हाट एवर यू वांट टू डू बट डोंट ट्रबल मदर फादर। मिलते हैं अच्छे से नहीं सुपर फ्रेश व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू एंड ऑल।